आई हैव अ न्यूज़, मैं बहुत खुश हूँ आज क्योंकि सुबह मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए यार। सुबह के लिए मैंने ना उसे ना ये वाले शूज लेनी है। जब मेरी नज़र पड़ती है ना वाइट के ऊपर तो इसके आगे मुझे कुछ पसंद नहीं आता। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अनदर वीडियो। आज जो है हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए मार्केट, मैं, मामा और फिरदा जा रहे हैं। हमारे कुछ मिशन हैं जो हम लोगों ने अकॉम्प्लिश करने हैं, जिनमें से एक बड़ा मिशन ये है कि फिरदा को हमने पॉटी ट्रेनिंग देनी है, जो कि अभी तक हमने उसको नहीं दी। और उसके लिए मुझे लेना है आज पॉट, वो जाके लेकर आऊँगी। और वरना मेरे पीछे पीछे चल रहा, बाहर जा रहे हैं, चलो आज। और उसी के साथ साथ हम कराची जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं चाह रही थी कि कुछ मैं कपड़े देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक विंटर्स की कोई शॉपिंग नहीं की। मैंने एक यही वाला सूट लिया जो मैंने पहना हुआ इस टाइम, इसके अलावा मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है। कुछ जीन्स और टी शर्ट्स वगैरह ली थी, लेकिन उसके अलावा सूट्स नहीं लिए मैंने। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम गई थी प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी और कपड़े बिल्कुल, अभी बिल्कुल मैंने सिंपल सूट पहना हुआ, इसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी कुछ भी नहीं है, और इन दिस वॉज फॉर 8,000 रुपीज़। उसके अलावा ज़ुबैर के जॉगर्स काफ़ी ख़राब हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि ज़ुबैर के लिए कोई अच्छे से शूज़ देखूँ, और कोई ऐसे शूज़ हों जो उनको पहनने में आसानी हो, लेसेस वाले ना हों, बगैर लेसेस के हों। तो अभी निकलते हैं और फिर आपको साथ साथ लेके चलती हूँ। वेरदा, सिट इन द कार, गिव मी द टूटू, गिव इट मी, फिर मैं आपको लेके नहीं जाऊँगी। वेरदा मी, थैंक यू। चलें जी, लेट्स गो। मामा आज हम दोनों ने ट्विनिंग की है, ग्रीन। मॉल हम लोग पहुँच चुके हैं। वेरदा, यू एक्साइटेड? एक्साइटेड, ओके। यार एक मुझे ये ड्रेस पसंद आया यहाँ से, इसके बाजू पे जो एम्ब्रॉयडरी भी है इस तरह से है। ये हाँ, ये दे दे, दे दे, ठीक है। ये ड्रेस भी मैंने आज फर्स्ट टाइम ही पहना है। एक ड्रेस मैंने अपने लिए ले लिया है, और अब हम आए हैं ज़ुबैर के लिए कुछ शूज़ वगैरह देखने के लिए। लेट्स सी, सिर्फ इसमें ब्लैक मिल जाएगा? नहीं, इसमें एक ही कलर है। ज़ुबैर को मैंने पिक्चर भेजी है, उनको वो शूज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। चलते हैं नाइकी एडिडास पे, वहाँ से देखते हैं। सो गाइस, आई एम हियर, एडिडास पे आई हूँ। अब लग रही है यहाँ से कोई चीज़ मुझे अच्छी मिल जाए जो समझ में आने वाली हो। मुझे दिखाइएगा विदाउट लेसेस शूज़। विदाउट स्लिप ऑन इसको बोलते हैं, इसमें अगर लेसेस निकाल भी देंगे तो उसका टाइट करने में या लूज करने में कोई इशू नहीं होता इसको। अच्छा, मतलब इसको ये एक दफ़ा ही आपको बस इसको बांधना है, और उसके बाद फिर आप आराम से पहन सकते हैं, ठीक है। और प्राइस क्या है इसकी? क्या ठीक है, ब्लैक या फिर ग्रे? अच्छा, एक ये भी है, और ये दोनों डिफरेंट है? मानो बिलू, मानो बिलू। बिरदा के दो दांत देखे, रैबिट की तरह बाहर निकल आए, टूटू ले लेगी। तो यार सुबह के लिए मैंने ना उसे ना ये वाले शूज़ लेनी है, मतलब कैजुअली इसको वेयर कर सकते हैं। तो सुबह के लिए शूज़ ले चुकी हूँ, अब हम जा रहे हैं बाहर, और यहाँ का मोस्ट फेमस चिकन नान लेने जा रहे हैं। मामा भूख लगी है, चिकन नान खाना? भूख लगी है, हमें नान ले लिया हुआ है, दिखाएं ज़रा, ठंडा नान। अजी नान चान हमने खा लिए हैं, और अब हम आए हैं दोबारा से शॉपिंग पे। यार एक जिनसा है, मुझे ये ड्रेस पसंद आया है लेकिन, क्योंकि इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, कलर बहुत प्यारा है, और विंटर फैब्रिक में है, लेकिन इसमें साइज़ नहीं है। ये साइज़ है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल, और या तो मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल आता है या फिर स्मॉल आता है, तो ये मुझे ऑनलाइन स्टोर्स पे मिल जाएगा। मैं सब देखना चाहती थी कि पहना हुआ कैसा लगता है, तो आई थिंक आई कैन ऑर्डर दिस वन। सो गाइस, दिस इज़ द सेकेंड आउटफिट, दिस इट लुक्स लाइक दिस। क्योंकि वरदा आगे आई भी है और बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करने दे रही, ये इतना मज़े का नहीं लग रहा, सो आई एम नॉट गोना बाय दिस। अच्छा हुआ कि मैंने ट्राई कर। एक ड्रेस मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है वाइट कलर में, या वाइट कलर इज़ माई फेवरेट कलर, एंड इट्स विद अ शॉल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके सारी साइड पर एम्ब्रॉयडरी भी है। मम्मा को ये पर्पल वाला ड्रेस बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा जी, ये भी सारा सॉलिड एक ही कलर है। और मामा ये भी फ्रॉक ही है, मामा ये फ्रॉक है, इट्स अ फ्रॉक विद कैप्री, ये देखे ना लूज सा। फ्रॉक्स भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आई लाइक शर्ट्स।
जितने मर्जी कपड़े पसंद आ जाएं ठीक है, लेकिन जब मेरी नज़र पड़ती है ना वाइट के ऊपर तो इसके आगे मुझे कुछ पसंद नहीं आता। तो अब मेरा दिल आ चुका है इसके ऊपर और मैं ये ख़रीदने लगी हूँ। लेट्स बाय इट। एक और सूट मुझे पसंद आ गया यहीं पे, जो कि बहुत ही प्यारा है। इसका बेज सा कलर है और साथ में ब्राउन इसके अंदर प्रिंटिंग है। ये दुपट्टा है इसका और इसके पल्लुओं पे टसल्स लगे हुए हैं और शर्ट के ना यहाँ गले पे भी यहाँ पे इस तरह से डोरी सी लगाई हुई है। दिस इज़ वेरी प्रिटी गाइस, दिस इज़ द ड्रेस। मैंने कहा मैं ट्राई कर लूँ लेने से पहले, ये ना हो कि घर जाके उसकी फिटिंग मुझे समझ में ना आए। सो आई थिंक इट्स प्रिटी नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे। इस कढ़ाई भी है इस तरह से और इसका जो ट्राउज़र है ना वो ज़रा बेल स्टाइल में है, देख रहे हैं, और इसके बॉटम पे भी कढ़ाई है। और ये है वो वाइट ड्रेस जो कि मैंने पहले पसंद किया था, मैंने सोचा इसको भी ट्राई कर लें ख़रीदने से पहले। एंड दिस लुक्स आल्सो रियली वेरी नाइस। ये इसके बाजू हैं और इसके भी जो ट्राउज़र का बॉटम है उस पर कढ़ाई हुई है, शर्ट के ये सारे इस साइड पे कढ़ाई है और बाकी सारे मोटिव्स बने हुए हैं। मैं आई हूँ किट सेक्शन में और विरदा के लिए मुझे चाहिए बेगी पैंट्स और मुझे ये वाली पैंट एक बहुत ही प्यारी लगी है लूज स्टाइल में। जब विरदा पहनेगी तो बहुत क्यूट लगेगी, तो एक मैं ये ले रही हूँ और इसके अलावा एक पर्पल कलर की पैंट मुझे यहाँ पसंद आई है, मैं दिखाती हूँ ये वाली ले रही हूँ और साथ कुछ शर्ट्स वगैरह भी देखते हैं। यार मुझे ये इतनी पसंद आई ना शर्ट, पर्पल कलर में वहाँ लगी हुई थी, लेकिन ये स्टार्टिंग एज जो है ना इन कपड़ों की वो है 6 ईयर्स, तो विरदा इज़ लाइक वे टू स्मॉल टू वेयर दिस। अभी विरदा की भी मैंने चीज़ें ले ली हैं, दो जीन्स ली हैं, ये शर्ट ली है, दो शर्ट्स ली हैं, क्योंकि आगे एकदम सर्दियाँ आ जानी हैं और फिर कपड़े नहीं होंगे तो बड़ा मसला होगा, तो बेहतर है कि बिफोर टाइम हम शॉपिंग कर लें, स्पेशली बच्चों को। सो गाइस, अब हम लोग आए हैं विरदा के लिए पॉट लेने के लिए। और किसका होना चाहिए मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं, ये कितना क्यूट है, ये बच्चों का ही है कि बिल्लियों का? और ये जो हमारा बेबी है ये सोया हुआ है। विरदा के लिए हमने ये वाला पॉट ले लिया क्योंकि मेरा ख्याल है ये थोड़ा हाइटेड लग रहा है और थोड़ा बड़ा भी लग रहा है, बाकी सब छोटे हैं। यहाँ पर थोड़ी बड़ी होगी फिर विरदा को ये स्कूटी लेके दूँगी इंशाल्लाह, फिर विरदा इस पर सारा दिन भागा करेगी। अभी विरदा की जो साइकिल आई हुई है ना इसको चलानी नहीं आती, तो फिर विरदा बस उस पर बैठती है थोड़ी देर इंजॉय करती है और फिर बोर हो जाती है। यहाँ से विरदा के लिए जैसे ना मेकअप देने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि विरदा ने एक ही दिन में सारा तोड़ देना है, लेकिन चलें खुश हो जाएगी उठ के। विरदा को ना बॉल्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने विरदा के लिए एक ये बॉल लिया है। सो गाइस, आउट ऑफ नोवेयर एकदम से ये पार्ट अटैच करी मैंने ब्लॉक के अंदर। आई हैव अ न्यूज़, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ आज क्योंकि ज़ुबैर मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए एंड आई वांटेड टू रिकॉर्ड इट एंड आई वांटेड टू शो इट टू यू गाइस कि ज़ुबैर मेरे लिए क्या लेकर आए। ये देखिए, ये आपके लिए वॉच। थैंक्स, ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। खैर मुबारक, थैंक यू। खाका नहीं है जान। ओके, मुझे ना एक वॉच बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है, और मैंने ज़ुबैर से कहा था कि मुझे वो वॉच चाहिए, एकदम मम्मा को खोलने दो प्लीज़। और ज़ुबैर ने वो वॉच मेरे लिए मंगवा ली। ज़ुबैर ये कहाँ से मंगवाई है साहब ने? ये रफीक घड़ियों वाले से ये एक दोस्त से मैंने मंगवाई थी USA से। ओके, लव इट। अच्छा यार, ये वाली जो वॉच है ना, मुझे ये वॉच पसंद है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और मैंने काफ़ी अरसा पहले ज़ुबैर से कहा था कि ज़ुबैर मुझे ये वॉच चाहिए और कोई बंदा आ नहीं रहा था, ऐसा ज़ुबैर का कोई फ्रेंड नहीं आ रहा था जिसे ज़ुबैर मंगवाते। बेटा नहीं प्लीज़, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, प्लीज़ जो वॉच है ये फिर ज़ुबैर ने मेरे लिए मंगवाई है स्पेशली। फाइनली माय वॉच इज़ हियर। नहीं, आपने बार बार कहा था। सो एक्साइटेड, बाबा पहना रहे हैं आपको वॉच अपनी जुबान में कुछ बोल रही है। साइज की वजह से सो प्रिटी, सो प्रिटी, यू लाइक इट? लाइक इट, थैंक यू। पसंद है आपको? बहुत। ये आपका एनिवर्सरी गिफ्ट है? जी नहीं, एनिवर्सरी गिफ्ट है, ये मेरा रैंडम गिफ्ट है। ये देयर इज नो सच थिंग एज रैंडम, देयर इज सच थिंग एज रैंडम गिफ्ट। बाय द वे गाइस, हम लोग की एनिवर्सरी भी आने वाली है माशाल्लाह से, 4th एनिवर्सरी, और वो होगी 13th ऑफ दिसंबर को। इतना सा हो गया?
पुरानी लग रही है क्या? आपको लग रही है पुरानी पुरानी शादी? अच्छा एनिवर्सरी पे ना हम आपके लिए स्पेशल ब्लॉग लेकर आएंगे, उसके ऊपर मैंने सोचा नहीं कि हम क्या करेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल लेकर आएंगे। आप लोग भी मुझे आइडियाज देंगे हम एनिवर्सरी पे क्या करें।